से बताना चाहूंगा। साथियों, ये विषय बहुत गंभीर है और इसको समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से न्यायपालिका ने, कार्यपालिका ने और विधायिका ने षड्यंत्र करके मध्य प्रदेश में जो संवैधानिक नियम है भर्ती के, उसको ताक पर रखकर एक सीधी भर्ती नियम निकाला है जो संविधान के विरोध में है, गैर कानूनी है। मैं इस मंच के माध्यम से इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। साथियों, सीधे भर्ती नियम कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि ये पोस्ट क्लास टू और क्लास थ्री की, क्लास टू और क्लास वन की है और क्लास टू की भी है। इसमें संवैधानिक तौर से जो पोस्ट भरी जाती है उसका माध्यम प्रमोशन है और प्रमोशन को दरकिनार करते हुए षड्यंत्र पूर्वक प्रमोशन, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन नाम का कीड़ा इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ाया और उसको दौड़ाने के बाद में हमारे लोगों के दिमाग में उसको कानूनी शिकंजे में डालकर अपना उल्लू सीधा इन्होंने किया। मैं इस बहुत सारी प्रेस विज्ञप्ति और नोट्स लाया हूं जिसके माध्यम से यह समझ में आएगा कि इन्होंने हमारे संवैधानिक अधिकारों का किस तरीके से हनन किया है। डीन की पोस्ट, जो एक मेडिकल कॉलेज में प्रमोशन की पोस्ट होती है, जिसमें हमारे जो काबिल डॉक्टर हैं उनको पहुंचने का एक मौका मिलता है, चाहे वो